वेलकम टू टेक्नोविद फ्रेंड्स। यहाँ आपको मिलते हैं विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए तैयार किए गए खास टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए टेक्निकल ज्ञान। जी हाँ फ्रेंड्स, ये है टेक्नोविद फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल, आपका दोस्त हमेशा आपके साथ। नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त और होस्ट संदीप कुमार शर्मा तकनीक मित्रों के साथ। मित्रों कैसे हो आप? आशा आप बहुत अच्छे होंगे और उम्मीद यही है कि आप आनंदमय होंगे सभी लोग। तो आज हम, जैसे कि पिछली बार हमने मेरिट नेशन पे बात की थी, एनसीईआरटी सॉल्यूशन पे बात की थी, तो उसी सिलसिले में आज हम आप लोगों के लिए नया ऐप लेकर आए हैं। नया ऐप तो क्या है, आपने दीक्षा के विषय में काफ़ी सारी चर्चाएँ सुनी होगी। पिछले साल भी चर्चाओं में रहा दीक्षा ऐप और इस बार भी चर्चाओं में है। पिछली बार राजस्थान में शिक्षकों को 18 मॉड्यूल्स दिए गए थे करने के लिए, तो ब्लाइंड टीचर्स को जो है मतलब थोड़ी बहुत समस्या उठानी पड़ी, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी की थोड़ी समस्या रहती हम लोगों के साथ और जल्दी से एक्सेसिबिलिटी पर काम वापस होता नहीं है, ऐप पर दिक्कत ये आती है हम लोगों को। तो पिछले बार तो ऐप बहुत ही अनएक्सेसिबल थी, काम की नहीं थी बिल्कुल भी। इस बार लेकिन ऐप जो है बहुत ही अच्छे से काम कर रही है। तो मतलब मैंने सुना ऐसा, मैंने अभी देखा नहीं है, अभी आपके सामने लाइव करेंगे हम। तो दीक्षा ऐप के अंदर आप लोगों के पठन पाठन के लिए काफ़ी अच्छी सामग्री दी जाती है। मॉड्यूल्स के अंतर्गत शिक्षकों को काफ़ी अच्छे से प्रशिक्षित किया जाता है। आप पिछली बार लॉकडाउन में बहुत ही अच्छे मॉड्यूल्स दिए गए थे जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, मुझे तो कम से कम बहुत कुछ सीखने को मिला और शिक्षा में नवाचार करने के लिए बहुत ही उपयोगी साबित रहा वो मॉड्यूल्स। तो उनका प्रयोग हम करते हैं समय समय पर। आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस है कि स्कूलें तो खुली नहीं, अब स्कूलें जब खुलेगी तब की बात है, बाकी हम लोग तो ऑनलाइन शिक्षण करवा ही रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, जूम के माध्यम से। तो इसी तरह से हम लोग दीक्षा मॉड्यूल को भी अब कोशिश करेंगे कि किस तरह से किया जाता है। मैंने तो पिछली बार भी किया था, पिछली बार थोड़ी सी समस्याएं मेरे साथ आई, मैं वीडियो बनाना भी चाहता था लेकिन क्योंकि वो पूर्णतः एक्सेसिबल नहीं था इसलिए उसका वीडियो बनाने में कोई मज़े वाली बात नहीं थी। लेकिन इस बार मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता लगे कि कितना एक्सेसिबल है और कहाँ एक्सेसिबिलिटी की हमें आवश्यकता है, उसे कहाँ दुरुस्त किया जाए। क्योंकि इतना हमें कह देना कि हमें छूट दे दो, छूट लेना कोई ज़्यादा बढ़िया, मतलब इसको कहते हैं कोई कारगर सुझाव नहीं है। मतलब कि छूट लेने की अपेक्षा तो इस ऐप को सही किया जाए ताकि हम भी मॉड्यूल्स कर सकें, ताकि हम भी दृष्टिवान लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें, है ना। छूट लेना तो एक वो बात होगी कि भी चलो छूट दे दो इनको, लेकिन छूट का नहीं है, हम लोग साथ मिलकर काम करें, हमें जो कार्य दिया गया है वो हम करें। तो इससे क्या होता है, एक तो हमारी मतलब कि जो है साख बनती है दृष्टिवान लोगों के साथ, उनको भी ऐसा लगता है कि हाँ दृष्टिहीन लोग भी मॉड्यूल सब जो भी काम उन्हें दिया जाता है वे कर लेते हैं तत्परता से। तो हमें एग्जेम्पशन नहीं चाहिए इसमें से, हमें चाहिए कि इस ऐप को तैयार किया जाए हमारे लिए ताकि हम लोग भी मॉड्यूल कर सकें शिक्षा के, जो ट्रेनिंग्स जो ऑनलाइन दी जाती है, जैसे चाहे यूनिलर्न हो, ये जैसे यूनिलर्न की भी थी 6ठी से 7वीं 8वीं के सामाजिक हिंदी के टीचर्स के लिए। तो हालांकि वो कुछ हद तक अच्छी थी, मैंने उसे एक्सप्लोर करके देखा था लैपटॉप में तो ठीक थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं समस्याएं थी। तो सबसे पहली बात तो इसकी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, ब्लाइंड लोगों को विशेष ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि भाई किस तरह से मॉड्यूल करना है, प्रशिक्षित शिक्षक वहाँ लगाए जाएँ जो टेक्नोलॉजी को जानते हों और वो सही मार्गदर्शन दे सकें ताकि फिर जो है मॉड्यूल आसानी से किए जा सकें। पहली बात तो यही है। तो अगर कोई मतलब कि ये इस वीडियो को देखते हैं जो अथॉरिटी वाले हैं तो वे इस पर काम कर सकते हैं। और जहाँ तक इनके डेवलपर्स की बात है ऐप के, तो उनको भी चाहिए कि ब्लाइंड लोगों के लिए कम से कम एक्सेसिबल बनाएं ऐप को, जैसे शाला दर्पण है, पे मैनेजर है, या फिर ये अपना अभी इसकी जिसकी मैं बात कर रहा था, अपना क्या नाम है इसका, दीक्षा ऐप, इसमें भी कैप्चा है और इसके बाद RPSC की जो साइट है उस पर भी कैप्चा आता है। तो उसके लिए कोई और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जो कि आजकल जैसे ITR की एप्लीकेशन, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न की एप्लीकेशन में ऑप्शन दिया गया ना कि आप आई एम ए ब्लाइंड वाला चेकबॉक्स चेक कर दें तो फिर अपना फ़ोन नंबर आता है, उस फ़ोन नंबर पे OTP आएगा अपने पास, अपन फ़ोन नंबर डालेंगे तो उस OTP के जरिए हम जो है अपना ITR भर सकते हैं।
तो इसी तरह यहाँ पर भी ऐसी व्यवस्था हो जाए कि हमारा फ़ोन नंबर तो इनसे रजिस्टर है ही एप्लीकेशन से, या शाला दर्पण हो गया या SSOID हो गया, जो भी हो गया, तो उनसे तो पे मैनेजर हो गया, तो सबसे हमारा फ़ोन नंबर है, तो क्यों ना हम इस तरह का एक एक्स्ट्रा ऑप्शन लगा दिया जाए कि आई एम ए ब्लाइंड पे चेकबॉक्स चेक करे तो वो अपना फ़ोन नंबर जो है जो रजिस्टर्ड है उस पर हमें एक OTP भेजे, उस OTP से हम लॉगिन कर लें, चाहे पे मैनेजर हो या कोई भी हो। लेकिन पे मैनेजर का तो एक दूसरा तरीका है, उससे आप अपनी पेस्लिप वेस्लिप खोल सकते हैं, मतलब एम्प्लॉई का जो भी काम आपका खुद का एम्प्लॉई कॉर्नर का वो आप काम कर सकते हैं, तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों को। और अभी वर्तमान में जो IPR रिटर्न का है मामला, जो संपत्ति का विवरण देना है, तो उसमें भी हालांकि वो तो साइट थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन वो एक्सेसिबल है, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ है, सबसे बड़ी दिक्कत हमारे लॉगिन करने में है। लॉगिन करने के लिए हमें किसी दृष्टिवान का सहायता लेना पड़ती है, ठीक है ना, तो ये थोड़ी सी समस्या है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसका भी कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढेंगे, कोशिश कर रहा हूँ मैं, बहुत प्रयासों में लगा हुआ हूँ, क्योंकि बस विद्यालय से आने के बाद जो समय थोड़ा बहुत मुझे मिलता है मैं उसमें कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ नई चीज़ ढूंढी जाए ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। चलिए बातें बहुत हुई, अब हम दीक्षा ऐप पर चलते हैं, प्ले स्टोर पर चलेंगे सीधा ही। प्ले स्टोर खोले, प्ले स्टोर को मैंने खोल लिया, यहाँ पर दीक्षा ऐप ओपन है, देखिए दीक्षा प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल एजुकेशन, दीक्षा प्लेटफॉर्म यहाँ पर ओपन है और अनइंस्टॉल है, हम ओपन करेंगे, क्लिक किया मैंने ओपन पे, मैं आपका स्वागत है दीक्षा में, आपका स्वागत है। अब यहाँ पर क्या आता है देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए ये दीक्षा खुल गया हमारा, इसके अंदर सबसे पहले लैंग्वेज आता है, उसमें हिंदी इंग्लिश आप सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर आपको पूछता है आप स्टूडेंट है शिक्षक है क्या है, तो आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन और आते हैं, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए अपनी पाठ्य पुस्तक से QR कोड स्कैन करके डिजिटल कंटेंट तक त्वरित पहुंच प्राप्त करें, अपनी पाठ्य पुस्तक से QR कोड स्कैन करके डिजिटल कंटेंट प्राप्त करें। तो अगर आपके पास QR कोड है, जैसे आजकल जैसे मेरे पास ब्रेल बुक्स है, तो उसमें भी लिखा हुआ है कि इस किताब का QR कोड ये है, तो उसको स्कैन करके आप लोग जो है अपनी किताबों को पढ़ सकते हैं। लेकिन चलिए छोड़िए इसको, इसके बाद निम्न जानकारी प्रदान करें, निम्न अब यहाँ पर एक प्रश्न और पूछा, स्कैन करने के लिए टैप करें, स्कैन करने के लिए टैप करें। अब यहाँ पर क्या आपके पास QR कोड मौजूद नहीं है, क्या आपके पास QR कोड मौजूद नहीं है, तो नहीं है तो इसके फिर आपको क्या करना है, बोर्ड बोर्ड चुनना है सबसे पहले अपन को, यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो बोर्ड देखिए इस पर क्लिक करते हैं, CBSE NCERT, यहाँ पर एक जमा करें यानी कि कर, मैं क्योंकि मैंने हिंदी में कर रखा, आप भी हिंदी में रखें ज़्यादा बेहतर रहेगा, अंग्रेजी में रखोगे काफ़ी सारी समस्याएं आएंगी आपको, तो मैंने तो हिंदी में कर रखा है। इसके बाद है CBSE/NCERT अब यहाँ पर एक पॉपअप बटन दिया गया है इस पे, एक मिनट जारी रखें पे क्लिक कर देते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर क्या आया, English, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है वो सब्जेक्ट आपको चुनना है, बंगाली पहला है, इंग्लिश है, हम इंग्लिश चुन लेते हैं, तो ये इंग्लिश चुन लिया है, बंगाली मैंने छोड़ दिया है, गुजराती, संस्कृत चुन लेते हैं एक और अपन, अब एक हिंदी चुन लेते हैं ना, हिंदी जमा कर देंगे। यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या सब आया हमारे पास, CBSE/NCERT बोर्ड इंग्लिश हिंदी संस्कृत, ओके कक्षा चुनिए, कक्षा चुनिए, आप कक्षा कोई भी चुन सकते हैं, जितनी कक्षा आप चुनना चाहें उतनी चुन सकते हैं, जैसे कि अगर आपने शिक्षक पे क्लिक किया तो आप जो भी कक्षा चुनना है 1 से लेकर 12 तक भी चुन सकते हैं हम, यहाँ क्लास फोर छोड़ देते हैं, क्लास सिक्स ओके चेक किया, क्लास नाइन पे चेक कर देते हैं उसके बाद फिर क्लास टेन हाँ 6 से लेकर 10 तक ही करते हैं, जमा करें हमें तो सीखना है, ठीक है कर लिया हमने, यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। अब नीचे क्लास 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास 9 क्लास 10 नीचे जारी रखें दिया गया, जारी रखें, इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक हो रहा है, ओपन हो गया। अब यहाँ पर सारी किताबें खुल जाती हैं, पढ़ने के लिए आप यहाँ पर बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पर नीचे कुछ टैब दिए गए हैं, सबसे पहले कोर्सेज, कोर्सेज शुरू से देखते हैं, रिसोर्सेज, रिसोर्सेज है पहला और फिर कोर्सेज है उसके बाद फिर हमारा स्कैनर, स्कैनर क्यूआर स्कैनर है ये, क्रिस स्कैनर बोल रहा है, क्यूआर स्कैनर होगा, डाउनलोड, फिर डाउनलोड है, प्रोफाइल और फिर है प्रोफाइल। ये ऑप्शन यहाँ पर होते हैं। अब ऊपर कोने में एक ऑप्शन और है यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड बर्गर मेन्यू। ओके यहाँ पर देखिए, एक सेकेंड, ये बीच में मेरे समूह स्विच टू डार्क मोड, स्विच टू डार्क मोड, आप डार्क मोड भी कर सकते हैं, तो हम डार्क मोड कर लेते हैं, हमको ज़्यादा असुविधा रहेगी क्योंकि तो डार्क मोड से ज़्यादा बढ़िया रहता है, डार्क मोड से थोड़ा सा चीज़ें दिखती अच्छी है। अब देखिए क्रो कोर्स और वो सारे बहुत अच्छे से दिख रहे हैं, डाउनलोड है, कोर्सेज सब है, रिसोर्सेज सब कुछ यहाँ पर सही से पढ़ रहा है ना। यहाँ पर बर्गर मेन्यू, बर्गर मेन्यू ऊपर, तो इसको स्वाइप कीजिए, सर्च ऐप लोगो डिक्शन माय ग्रुप मेरे हेल्प ट्राई न्यू डिक्शन बेटा डार्क मोड स्विच टू ऑन ऑफ इंपोर्ट इंपोर्ट कॉल सेलेक्ट ऐप लैंग्वेज भाषा हिंदी ऐप सेटिंग्स सेटिंग्स हेल्प। बस यही कुछ ऑप्शन है, तो सेटिंग में तो कुछ ज़्यादा खास है नहीं, फालतू चीज़ें वो तो छोड़ दीजिए बैक, और कोई मतलब भी नहीं है उनका। अब हम चलते हैं कंटेंट पे, इधर बटन दिया है, ये है नोटिफिकेशन सर्च, और यहाँ पर है सर्च करने का, आप किताबों को सर्च भी कर सकते हैं और इसको क्लास सेवन है, क्रिटिकल थिंकिंग जीरो इज अ प्रॉब्लम सीबीएसई ट्रेनिंग है, क्लास सिक्स पे क्लिक करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या मिलेगा यहाँ पर। क्लास सिक्स पे मैंने ओके कर दिया, अब यहाँ पर देखिए Who did Patrick's homework? अंग्रेजी का, जो कि यहाँ पर home, a house, a home. ये poem है, home, a home. Who did Patrick's homework? Who did Patrick's homework? Part 1. Part 1 दिए गए यहाँ पर. Who did Patrick? खोल लेते हैं इसको. ओपन किया मैंने डायलॉग। अब यहाँ पर मित्रों थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, देखिए ऊपर एरो बैक का बटन दिया गया है। Who did Patrick's homework? Who did Patrick's homework? द्वारा क्रिएटर फोर स्टार ग्राफिक प्ले सर्कल बटन। यहाँ पर जैसे ही मैं प्ले सर्कल पे क्लिक करूंगा ये पोर्ट्रेट लैंडस्केप मोड में हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ पोर्ट्रेट मोड में इसको, मतलब कि इस पे अपन लॉक कर देते हैं, लेकिन शायद काम करेगा नहीं करेगा आई डोंट नो। टॉप बैक ऑफ सिस्टम यूआई ऑटो रोटेट ऑफ डॉट कॉम बटन, ठीक है ऑटो रोटेट ऑफ कर रखा हमने, ठीक है। Diction, अब मैं जैसे प्ले पे क्लिक करूंगा यहां पर देखिएगा कंटेंट आइकन एरो मूव द्वारा क्रिएट फोर स्टार प्ले सर्कल क्लिक कर देते हैं लैंडस्केप, ये देखिए आई ऑन द गैप ये लैंडस्केप मोड में चला जाता है। पॉज म्यूट वॉल्यूम लेवल CIET NCERT presents curriculum based series ध्वनि शाला। So let's join in ध्वनि शाला class 6। तो ये मित्र ध्वनि शाला है, यहाँ पर कुछ वीडियोस दिए गए हैं, इन वीडियोस के जरिए आप मतलब सुन सकते हैं पढ़ाई को, देख भी सकते हैं, कुछ वीडियोस दिखाएंगे आपको, कोशिश यही रहेगी। Having participated in the first lesson very well, Sirat, let me also thank you. Sirat, how do you feel having done the first part of the lesson? It was very interesting while doing the multiple choice questions and true and false video, and many activities like this. Good. So play. आप play भी कर सकते हैं, इसको back करते हैं एक बार थोड़ा. Reasons. बैक कर लेते हैं Portrait. और इसका दूसरा फर्स्ट अध्याय देख लेते हैं एक बार थोड़ा और बैक करें बैक या ठीक है हमने बैक कर दिया इसको। अब आप इसके अंदर अपने हिसाब से इसको चला सकते हैं, इसमें वीडियो कंटेंट भी अब आ गया है, ये बहुत अच्छी बात है, वीडियो कंटेंट समझने में काफ़ी आसानी रहती है, तो ये बहुत अच्छा काम किया। मैं चाहता हूँ कि हिंदी में भी अगर कुछ कंटेंट हो तो अच्छा रहे, मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पर कुछ मिल जाए। पेरेंट हैंडबुक भी है इसमें, a pack with the sun, a pack with the sun, honeysuckle, honeysuckle ये किताब का नाम है, the earth, geography, सब कुछ है यहाँ पर,
Class 6. New Balram Hindi. New Balram Katha. Balram Katha. इसको खोल लेते हैं अपन. 2_3131034750. यहाँ पर क्या-क्या दिया गया है? खुल रहा है ये, थोड़ा टाइम लगेगा. Ionic app. Arrow back. New hit icon. 4 star. Down. Delete content. Share. Carrot forward search. सभी. Interactive. Video. Interactive. आलेख. Interactive. यहाँ पर वीडियो भी है, आलेख भी है. आलेख से आप पढ़ सकते हैं और. Interactive. Interactive. 1 arrow down. Arrow down. E-textbook. E-textbook. Heading 4. E-textbook. E-textbook भी आपको यहाँ पर मौजूद हो जाएगी. Chapter 1. Chapter 1. Heading 4. चलाएं. Button. चलाएं. चलाएं पे क्लिक करेंगे तो क्लिक कर देंगे. देखिए Landscape. चला रहा हूँ इसको. Ionic app. Web view. बुक आपको पढ़ के सुनाएगा, मतलब देखते पढ़ता कि नहीं पढ़ता. Page 1. इसलिए इसको नहीं पड़ेगा, ठीक है, आप इसे छोड़ दीजिए. अब चैप्टर 1 चलाएं. बट चैप्टर 1 थोड़ा नीचे करते चलाएं. बट इसको चलाने की कोशिश करता हूँ. अगर लेता हूँ आपको दिखाता हूँ. हिंदी शायद एक्सेसिबल नहीं है इसमें, हिंदी क्योंकि कृतिदेव फॉन्ट में लिखा हुआ है. अभी लोडिंग ले रहा है, देखिए यहाँ पर लिखा 75% हुआ है लोडिंग. कई बार लोडिंग लेने में बड़ा टाइम लगाता है. ये पढ़ेगा नहीं लेकिन पक्का है, मुझे पक्का विश्वास है. क्योंकि इसमें क्या प्रॉब्लम है कि यह देखिए खोल तो दिया इसने लेकिन यहाँ पर ये प्रश्न तो शायद पढ़ सकता है. धन की देखिए. महर्षि वशिष्ठ के अनुसार महर्षि विश्वामित्र के साथ राम के जाने से उन्हें किसकी प्राप्ति होगी? महर्षि विश्वामित्र के अनुसार महर्षि राम के साथ जाने में उसे किसकी प्राप्ति होगी? देखो प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न. देखिए वापस देखिए. महर्षि वशिष्ठ के अनुसार महर्षि विश्वामित्र के साथ राम के जाने से उन्हें किसकी प्राप्ति होगी? राम के जाने साथ किसकी प्राप्ति होगी? स्वाइप करेंगे. धन की. धन की. जनवरी की. जन 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 की. विभिन्न विद्याओं की. विभिन्न विद्याओं की. ऋषियों से मिलने के अवसर की. ऋषियों के मिलने के अवसर की. तो हम इस पे क्या क्लिक करें? हम विभिन्न विद्याओं पर क्लिक करें. विभिन्न विद्याओं की. मैंने इस पे क्लिक कर दिया और अब हम नेक्स्ट. यहाँ नेक्स्ट का एक बटन दिया गया है, इस पे लॉन्ग प्रेस करते हैं. नेक्स्ट. एक सेकंड. विभिन्न विद्याओं की. एक सेकंड, एक सेकंड. ऋषि मेन्यू. नेक्स्ट. बैक. नेक्स्ट. ओके नेक्स्ट कर दिया. हमारा उत्तर एकदम सही है. नेक्स्ट. बटन. अब नेक्स्ट प्रश्न पूछा है इन्होंने, उत्तर हमारा एकदम सही है. ये ग्रीन हो गया यहाँ पर. बैनर 3 ग्राफिक. बैनर 3 चेक. ग्राफिक चेक. ग्राफिक. बैनर 3 ऋषियों से मिलने के अवसर की. विभिन्न चेक. नेक्स्ट. बट सॉल्यूशन. बटन मेन्यू अंडरस्कोर आइकॉन. नेक्स्ट. नेक्स्ट करोगे. रघुकुल की रीति क्या थी? लिस्ट. रघुकुल की रीति क्या थी? ठीक है, रघुकुल की. अब अगला प्रश्न पूछा है इन्होंने, रघुकुल की रीति क्या थी? तो हम इसे कैसे हल करेंगे? नीचे प्रश्न लिखा. अपने अतिथियों का सम्मान करना. अतिथियों का सम्मान करना. दूसरे राज्यों का अतिक्रमण न करना. दूसरे राज्यों का अतिक्रमण. अपनी प्रजा को सुख से न रखना. अपने प्राण देकर भी देव वचन की रक्षा करना. बिल्कुल सही है. प्राण रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए. इस पे मैं डबल टैप कर देता हूँ. ठीक है, आपको इस तरह के वीडियो कोई नहीं बना के देगा, मैं इसकी गारंटी देता हूँ. लोग फालतू की ऐप के वीडियो बनाते रहते हैं लेकिन इस तरह के वीडियो आपको कोई नहीं बना कर देगा. तो इससे बच्चे हल कर सकते हैं प्रश्नों को. नेक्स्ट. नेक्स्ट करेंगे. लॉन्ग प्रेस करेंगे. नेक्स्ट आपको लॉन्ग प्रेस करना है मित्र. ध्यान रखिएगा आपका उत्तर एकदम सही है. यहाँ पर एक ग्रीन आ गया, इसका मतलब उत्तर सही है. चेक. ग्राफिक. चेक. ग्राफिक आ गया. मैं आपको एक गलत भी करके बताऊंगा. तो शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच यज्ञ में अंतिम आहुति किसने डाली? लिस्ट. शंख. देखिए प्रश्न बोला है ना इसने, तो इसका उत्तर अपन गलत लिख देते हैं ना. कोई भी एक सेकेंड. देखिए शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच उत्तर गलत है हमारा. आहुति किसने डाली? तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ ना. अब देखते क्या होगा. नेक्स्ट. नेक्स्ट करेंगे. लॉन्ग प्रेस करेंगे. ये देखिए उत्तर गलत है हमारा. सॉल्यूशन बटन. नेक्स्ट बटन. ट्राई अगेन. ट्राई अगेन आ गया ना. ट्राई अगेन मतलब हमारा उत्तर गलत है, ये उत्तर सही नहीं है. फिर ट्राई करेंगे. नेक्स्ट. वो फास्ट उंगली रख रहा हूँ इसलिए वो बोल नहीं रहा है. हाँ ये हमारा उत्तर देखिए एकदम सही है. देखिएगा. बैक. लिंक. नो. नेक्स्ट. डिफॉल्ट. सॉल्यूशन बटन. नेक्स्ट. चेक. ग्राफिक. चेक. चेक ग्राफिक का मतलब उत्तर हमारा सही है. ये ग्रीन कलर का हो जाता है, यहाँ पर चेक बोलता है. वहाँ ट्राई अगेन बोलता है, इसलिए हमारा उत्तर गलत है. ठीक है. नेक्स्ट. नेक्स्ट कर देंगे.
तो इसी प्रकार से आप पूरी प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। तो मैंने आपको डेमो दिया है, काफी सारे प्रश्न इसमें और भी आएंगे आगे। राजा दशरथ की चिंता बढ़ने का क्या कारण था? दूसरे राज्यों का आक्रमण, अकाल पड़ना, उनका उत्तराधिकारी न होना, उनका रोगग्रस्त हो जाना। तो उनका उत्तरा इस पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट करेंगे, लॉन्ग प्रेस करेंगे, सिंपल नेक्स्ट करोगे तो वो काम नहीं करेगा। देखिए सही है हमारा, चेक बोला और नेक्स्ट किया। नेक्स्ट किया। कोसल राज्य की राजधानी का क्या नाम था? अब ये प्रश्न है, मैं आपको इसलिए हल करके बता रहा हूँ कि आप लोग भी कर सके। इसी तरह मॉड्यूल जब आप करोगे ना, मॉड्यूल में भी इसी तरह से ही प्रश्न उत्तर आपको हल करने, जब टीचर मॉड्यूल्स आएगा इसमें तब। इसके बाद देखिए मथुरा पर क्लिक कर दिया, ये हमारा पोर्ट्रेट, ये प्रश्न उत्तर हमने इसके हल कर लिए। तो आपको बताया बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत एक्सेसिबल हो गया, बहुत ठीक हो गया ये एप्लीकेशन। थोड़ी थोड़ी बस किताब पढ़ने में थोड़ी एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो वो तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि आप वो जो एप्लीकेशन है, क्या नाम उसका, सॉरी मैं उस एप्लीकेशन का नाम भी भूल गया, उस एप्लीकेशन का नाम है वो NCERT सॉल्यूशन से आप बुक डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर NCERT की साइट है वहाँ से भी आप किताब डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन किताबें तो हिंदी वाली तो PDF एक्सेसिबल नहीं होगी, वो उनको आपको NVGNI से करना पड़ेगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, NVGNI आप नहीं परचेज़ कर रहे हैं, तो फिर आप जो मैंने साइट बताई थी आपको एक, वहाँ से आप MP3 में बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर सुगम्य पुस्तकालय से जाकर आप इसकी अपने डिजी टॉकिंग बुक लाइब्रेरी देहरादून वाली से, वहाँ से भी आप ये सारी किताबें डाउनलोड कर सकते हैं आराम से, ऑडियो फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी MP3 में। ठीक है, कक्षा 10-6 विषय हिंदी पाठ्य पुस्तक बाल, सच में कह रहा हूँ मैं। इसके अलावा प्रोफाइल, अब हमने ये तो देख लिया डाउनलोड, अब प्रोफाइल चलते सीधा, ये प्रोफाइल है हमारी। यहाँ पर आप प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें दी गई हैं, यहाँ तो देखिए कैसे बताता हूँ आपको, सुविधाओं तक पहुँच प्राप्त करें, सुविधाओं तक पहुँचने के लिए लॉग इन करें, सुविधा तक पहुँचने के लिए लॉग इन करें, क्लिक करते हैं लॉग इन, आपको दिखा देता हूँ। जैसे आपके अलग अलग हिसाब से हो सकता है, देखिए सबसे ऊपर लॉग इन विद दीक्षा, आप दीक्षा से भी लॉग इन कर सकते हैं। रजिस्टर हियर, लॉग इन विद स्टेट सिस्टम, और साइन इन विद गूगल, आप गूगल से भी साइन इन कर सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो गूगल से भी साइन इन कर सकते हैं, लेकिन चूंकि अगर आप एक शिक्षक है तो आपको स्टेट सिस्टम से ही लॉग इन करना पड़ेगा। गूगल से साइन इन करोगे तो वो डिटेक्ट नहीं करेगा उसको। तो स्टेट सिस्टम पे आप क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहले प्रॉब्लम थी कि वो स्टेट को सिलेक्ट नहीं करता था, अब देखते हैं क्या स्टेट को अब सिलेक्ट करता है या नहीं करता। देखिए सिलेक्ट योर स्टेट, यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए स्टेट गुजरात, स्टेट मध्य प्रदेश, स्टेट पंजाब, स्टेट राजस्थान, राजस्थान पे क्लिक किया। यहाँ पर देखिए सबमिट का बटन हमें मिल जाता है, इस पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर ये शालादर स्टाफ कॉर्नर आपको मिल जाता है ऊपर। यहाँ पर पहले हमें यूजर नेम डालना है, फिर हमें पासवर्ड डालना है, पासवर्ड जो भी आपका शाला दर्पण का होगा वो डालना है। उसके बाद यहाँ पर आएगी कैप्चा, इस कैप्चा की जगह OTP लिया जाए, या फिर I am not a robot चेकबॉक्स चेक दे दिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि ब्लाइंड लोग अच्छे से इसको यूज़ कर सकें। लेकिन अभी ऐसा कोई व्यवस्था नहीं, आपको यूज़र आईडी कौन सा डालना है, जो शाला दर्पण का लॉगिन आईडी है वही डालना है आपको, यो SSID वाला मत डालना। आप शाला दर्पण की जो लॉगिन आईडी है उसी से लॉगिन होगा। तो यहाँ पर लॉगिन, यहाँ पर आईडी और पासवर्ड डाल दें। तो चलिए मैं लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से लॉगिन करते हैं इसके अंदर। पहले यूज़र आईडी डालेंगे, फिर पासवर्ड डालेंगे, फिर कैप्चा डालेंगे। कैप्चा आपको एक बार तो साइटेड से दिखवाना पड़ेगा किसी से, क्योंकि ब्लाइंड लोगों के लिए अभी तक ये सक्सेसफुल एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखें। मैंने NVGNI से स्मार्ट लेंस से स्कैन करके देखा था, लेकिन वो नहीं पड़ता उसको। ठीक है, और इसका कोई अभी तक जुगाड़ मुझे मिला नहीं है, तो जब इसका जुगाड़ मिलेगा तब करेंगे। तो हम लॉगिन कर चुके हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ लॉगिन स्क्रीन, चलते हैं। दीक्षा को ओपन किया मैंने, मैं आपका स्वागत है। हमारा दीक्षा ओपन हो चुका है, यहाँ पर वही वाली थीम है, इसको डार्क कर लेते हैं।
उपयोगकर्ता जो स्पेस इंपोर्ट कंटेंट सिलेक्ट ऐप लैंग्वेज की क्रैप भाषा सिलेक्ट इंपोर्ट क्रैप ऑफ ऑन स्विच टू डार्क मोड। ओके, डार्क मोड ऑन कर लिया, अब ये ज्यादा सही रहेगा हमारे लिए। तब हम चलते हैं प्रोफाइल में, डाउनलोड्स प्रोफाइल टैब। ये देखिए प्रोफाइल टैब है, इस पर क्लिक करते हैं तो हमारी गॉव्ड गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल महारानी 211,200 संदीप कुमार शर्मा। देखिए संदीप कुमार शर्मा खुल गया है। तो अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। Easy voice recorder, double tap to activate. तो हम दीक्षा double tap दीक्षा ओपन किया मैंने वापस एक बार। मैं आपका स्वागत है। ओके, ये हमारी दीक्षा ओपन होगी। अब हम यहाँ पर मॉड्यूल की बात करते हैं, जो टीचरों को मॉड्यूल्स करने हैं उनकी बात करेंगे यहाँ पर। तो मॉड्यूल्स में मित्रों ऐसा है कि काफ़ी सारे मॉड्यूल्स इन्होंने दिए हमें, और अभी भी 1 अगस्त से मॉड्यूल चालू हो गए हैं, तो उनको कैसे करना है क्या करना है चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम वो व्हाट्सएप खोलते हैं, क्योंकि वो व्हाट्सएप में आया था हमारे पास मॉड्यूल। व्हाट्सएप पे क्लिक किया, लॉक खोला, कोर्स है, बहुत बोलेगा ये। सुनिए, निष्ठा प्रशिक्षण माध्यमिक शिक्षा प्रिय प्रतिभागियों, दिनांक 1 अगस्त से निष्ठा प्रशिक्षण की शुरुआत कर दी गई है। प्रशिक्षण के पहले चरण में शुरुआती 3 मॉड्यूल को अनलॉक कर दिया गया है तथा अब ये तीनों कोर्स नामांकन हेतु उपलब्ध है। कोर्स वेलिन की जानकारी क्लिक द लिंक्स एंड ओपन विद दीक्षा 1 पाठ्यचर्या और समावेशी शिक्षा https://diksha.gov.in/learn/course चलिए शुरू करते हैं। निष्ठा प्रशिक्षण माध्यमिक शिक्षा प्रिय इमोजी बटन डबल टैप एट https://yesterday/forward/https ये देखिए /diksha.gov.in/learn क्लिक करेंगे http है, तो अब https://https दूसरा जिससे हम लॉगिन करते हैं। मैं आपका स्वागत है। ये देखिए यहाँ पर new notification from download manager no underscore 31 sextillion 332 quintillion। देखिए ये कोर्स मैंने खोल दिया यहाँ पर rj underscore sec underscore 03 underscore शिक्षार्थियों के समग्र विकास के लिए व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का विकास, ये है कोर्स। अब यहाँ पर नीचे द्वारा edit 3 information circle information circle नामांकन की अंतिम तारीख 25/8/2021 heading 3 कोर्स में नामांकन कीजिए। यहाँ पर देखिए कोर्स में नामांकन कीजिए स्पष्ट लिखा हुआ है येलो कलर में, इस पर डबल टैप कर देते हैं। ये हमारा कोर्स में अभी नामांकन हो जाएगा बस। यूजर नेम संदीप, ठीक है, ये यूजर नेम और आप इसको शेयर करना चाहते कर सकते हैं, अपनी मर्जी है। मैं पाठ्यक्रम के अनुसार शेयर, हमारा कोर्स तैयार है, हमने शेयर किया, आप शेयर करें नहीं करें आपकी मर्जी, कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है उससे, ये तो एक फीडबैक का है। अब देखते हैं RJ underscore SEC underscore 03 underscore शिक्षार्थियों के समग्र विकास के लिए व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का विकास, ठीक है, स्वाइप करेंगे द्वारा Rajasthan cloud download trash share मेन्यू आइकॉन आपकी प्रगति 0% पूर्ण, आपकी प्रगति 0%, क्योंकि अपन ने अभी तक इसमें कुछ किया ही नहीं, तो प्रगति कहाँ से होगी। चलिए दिखाएंगे आपको RJ Nish the play icon play icon सीखना शुरू करें, क्लिक करेंगे स्पेस। अब यहाँ पर हमारे पास क्या ऑप्शन आते हैं, Rajasthan Nish the CREATEOR 2 arrow back graphic RJ Nish the intro hint द्वारा फिर स्वाइप करेंगे Rajasthan Nish the CREA 5 Star graphic, play circle button. Play circle button. इस पर क्लिक करेंगे। Land playback rate. अब playback हो गया, landscape mode में चले। ये देखिए। दीक्षा के मैं आपको थोड़ा सा मॉड्यूल करके दिखाता हूँ इसमें। आपका स्वागत है। अब landscape mode पे आ गए। इस मॉड्यूल का संक्षिप्त परिचय दूंगा। तो ये हमारा यहाँ पर हमने इसको न्यू नोटिफिकेशन फ्रॉम यूट्यूबर अल्फा 14 इन एटीपीसी ओपन का ऑप्शन आ गया है यहाँ पर, देखिए इस पे आप यहाँ से स्वाइप करेंगे स्पेस मेन संदीप कुमार शर्मा 016 यू जस्ट कंप्लीटेड आरजे निष्ठा इंट्रो हिंदी आरजे निष्ठा इंट्रो हिंदी, हमने इंट्रो इसका कंप्लीट किया है। ग्राफिक रिप्ले आप वापस से रिप्ले कर सकते हैं। एग्जिट ग्राफिक एग्जिट हो सकते हैं एग्जिट एग्जिट
अप नेक्स्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक किया टक की आवाज आएगी आपको और निष्ठा एक दृष्टि दश शून्य तीन अगला है निष्ठा एक दृष्टि शून्य तीन इस पर क्लिक कर देते हैं क्लिक हो गया। अब देखिए वापस से पोर्ट्रेट मोड में आ गया। अब पोर्ट्रेट मोड में आने से हमें क्या करना है लेफ्ट टू राइट स्वाइप करना है। देखिए बैक स्वाइप करेंगे निष्ठा एक द्वारा प्ले सर्कल चलाएं प्ले सर्कल बटन लैंडस्केप ये देखिए लैंडस्केप मोड में आ गया है। अब यहां पर आप इसे पढ़ सकते हैं लिखा हुआ भी आप पढ़ आराम से पेज 1 कोर्स निर्देश है अगला पॉइंट यहीं पर नीचे आपको मिल जाएगा बस स्वाइप करते एक बार आ जाएगा इस पर फिर फिर पोर्ट्रेट मोड में आएगा। अब यहाँ पर इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है कि ये पोर्ट्रेट मोड में ही लगातार रहे तो हम लोगों के लिए थोड़ा ठीक है नहीं तो क्या बार बार हमें फ़ोन को मतलब यू नो लैंडस्केप पोर्ट्रेट करना पड़ेगा। यहाँ पर दिक्कत इतनी ही है बस और तो ज़्यादा कोई और एक बात बता दूँगा अगर आप इसको लैंडस्केप पोर्ट्रेट मोड इसका लॉक कर दोगे ना पोर्ट्रेट मोड फ़ोन का तो भी ये ऑटो रोटेट जैसे ऑफ कर दिया तो भी ऐसा ही होता है। इसका कोई इलाज अभी तक हुआ नहीं है मतलब कि पहले भी ऐसा ही था अब भी ऐसा है तो एक्सेसिबल नहीं है ये तो मतलब ये एक्सेसिबल तो ऐसे तो बस थोड़ा सा जुगाड़ लगाए तो एक्सेबल हो सकता है लेकिन वो सीधा सा नहीं है। अब देखिए स्वाइप कर रहा हूँ मैं ऊपर यहाँ पर एरो बैक ग्राफ कोर्स द्वारा MC4 स्टार ग्राफ प्ले सर्कल प्ले करेंगे लैंडस्केप फिर लैंडस्केप मोड पे गया। अब हमें लैंडस्केप मोड पे जाता है तो लेफ्ट टू राइट जस्ट स्पीकर अपने एयर पीस से लेकर और चार्जर वाली साइड में मतलब कि अगर आपका सैमसंग का फोन है तो जैसे मेरे पास वन प्लस 80 का फोन है तो मैं लेफ्ट टू राइट यहाँ करूँगा स्पेस मेन देखिए पेज 1 शिक्षार्थी के शीर्ष माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों के मल्ले में शाखाएं नेक्स्ट आइकन बटन है इस पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर पेज 1 फिर नेक्स्ट कर दीजिए नेक्स्ट आइकन बटन नेक्स्ट किया। अब नीचे यहाँ पर उंगली रखते ही उद्देश्य उद्देश्य इस पे क्लिक करेंगे फिर पोर्ट्रेट हुआ फिर हम प्ले सर्कल फिर प्ले करेंगे वैसे ही आप लेफ्ट टू राइट स्वाइप करें अपने आप आ जाएगा ऑप्शन कोई दिक्कत नहीं आएगी। पेज 1 ऑब्जेक्टिव्स ऑब्जेक्टिव्स इस कोर्स को पूर्ण करने के पश्चात शिक्षार्थी सक्षम होंगे व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के बारे में समझ बनाने में अपने के काकथियों में इसके विकास की नेविगेशन नेक्स्ट करेंगे। अब नीचे फिर एक ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर वापस से वही कोर्स की रूपरेखा उस पर फिर क्लिक करेंगे पोर्ट्रेट मोड में आया फोन वापस प्ले करेंगे बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हैं यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा ये अगर समझ आ जाता हमें तो ज्यादा अच्छा रहता है ये समझ नहीं आ रहा है बस दिक्कत ये है कि थोड़ा सा सही से लिखा हुआ नहीं है स्क्रीन रीडर इसको ठीक से नहीं पढ़ रहा है उसके अलाइनमेंट में नहीं है स्क्रीन रीडर का इसलिए पहले तो ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था अब थोड़ा थोड़ा पढ़ने तो लगा है पिछली बार तो ये हिंदी वाले कोई भी पेज नहीं पढ़ रहा था अभी पेज पढ़ने लगा ये अच्छा हुआ। पेज 1 कोर्स की रूपरेखा समझ विकसित करना परिप्रेक्ष्य समझ विकसित करना अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो एनविजन आई से स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं इस पेज को। शिक्षार्थियों के समग्र विकास की सुविधा के लिए व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को विकसित करना एक परिचय इस पर क्लिक करेंगे ये मैंने क्लिक किया और अब प्ले सर्कल बटन यहाँ पर एक वीडियो चलेगा ये देखिए वीडियो चल रहा है देख लेते हैं ये वीडियो स्टार्ट हो गया लैंडस्केप मोड में वीडियो इसको आप पोर्ट्रेट करोगे तभी लैंडस्केप ही रहेगा। नमस्कार व्यक्तिगत सामाजिक गुण वे हैं जो हमें अपने व्यक्तिगत पेशेवर और सामाजिक जीवन में संबंधों को समझने तथा उन्हें स्वस्थ और प्रभावी बनाने में मदद करते हैं। 11 minutes, दो मिनट और 54 सेकंड इसका है चलिए देख लेते हैं इसको एक बार थोड़ा सा प्ले कर लेते हैं। 254 video player region main space main video graph space main video graphic 45 position accessibility का इशू है लेकिन कोई बात नहीं अपन मॉड्यूल कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं मैं आपको करके दिखा रहा हूँ जहाँ सभी यहाँ पर आप सीधा बस video player replay button प्ले कर दीजिए 100 position प्ले करते ही ये नेक्स्ट पर आ गया। अब अगला पॉइंट आ गया इसमें देखिए
मैं आपको एक मॉड्यूल, शिक्षार्थियों के समग्र विकास की सुविधा के लिए व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को विकसित करना, एक परिचय प्रतिलिपि, एक परिचय प्रतिलिपि। अब यहाँ पर एक चीज और दिखा देता हूँ आपको कि ये आप पता लगा सकते हैं आपने कितना कर लिया। मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, देखिए यहाँ से Next arrow granted. Space May Sandeep 213. You just completed. शिक्षार्थियों के समग्र विकास की सुविधा के लिए व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को विकसित करना, एक परिचय, एक परिचय, ये हमने कंप्लीट कर लिया। यू जस्ट कंप्लीट बोला इन्होंने। रिप्ले, रिप्ले, आप वापस से उसे रिप्ले भी कर सकते हैं वीडियो को। एग्जिट ग्राफिक, एग्जिट हो सकते हैं, एग्जिट, एग्जिट, अप नेक्स्ट, अप नेक्स्ट। शिक्षार्थियों के समग्र विकास की सुविधा के लिए व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को विकसित करना, एक परिचय। अब पोर्ट्रेट में हुआ, फिर प्ले करेंगे आपको अच्छे से समझ आएगा। बिल्कुल यहाँ पर देखिए कुछ खुल गया है लिखित, लेकिन मैं चाहूँगा अगर निष्ठा या ट्रेनिंग कराने वाले या दीक्षा ऐप वाले थोड़ा सा इसको थोड़ा सेट करें तो हम लोगों को सुविधा हो जाए, हम इस लिखे हुए पाठ को भी अच्छे से पढ़ सकें। अभी थोड़ा सा ये पढ़ने में नहीं आ रहा ढंग से, देखिए मैं सुनाता हूँ। शिक्षार्थियों के समग्र शिक्षा की शिक्षा के बिल्कुल थोड़ा सा गलत पढ़ रहा है। एक बार शिक्षा, अब आगे अगला ऑप्शन आ गया है व्यक्तिगत सामाजिक गुण विकसित करने के बाद पोर्ट्रेट, फिर प्ले करेंगे। आप इसको लैंडस्केप भी रखो भले, ये वीडियो फिर चलेगा, ये वीडियो फिर स्टार्ट हो गया या व्यवहार, वीडियो फिर से शुरू हो गया यहाँ पर। नमस्कार शिक्षकों, क्या आपने ध्यान दिया है कि एक ही छवि व्यक्ति स्थिति या व्यवहार को अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग तरीके से समझा जाता है और अक्सर हम आश्चर्यचकित। मैं वीडियो थोड़ा थोड़ा चला रहा हूँ मित्रों, क्योंकि इससे आपका समय भी बचेगा और हम लोग जल्दी से कुछ सीख भी पाएंगे ना, इसलिए मैंने वो मॉड्यूल पूरा कर लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम खराब हो, इस वजह से देख लेते। चलिए स्पेस में व्यक्तिगत सामाजिक गुण विकसित करने के और स्पेस, फिर प्ले करेंगे आराम से, देखिए आराम से कर्सर जा रहा है, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर फिर से कुछ लिखा हुआ है, व्यक्तिगत सामाजिक गुण की कक्षत करने के आधार, नेविगेशन एरोस नेक्स्ट आइकॉन बटन, फिर प्ले करेंगे। स्कूल कक्षा में व्यक्तिगत सामाजिक गुण स्पेस, मैं आपको पूरा मॉड्यूल करके दिखा देता हूँ एक बार। प्ले सर्कल प्ले करेंगे, प्ले सर्कल फिर प्ले किया, यहाँ पर फिर से कुछ दिखाया। स्कूल कक्षा में व्यक्तिगत सामाजिक की गुणों एक लैब, देखिए मित्रों ये जो लिखा हुआ है ये सही क्यों नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि ये टॉकबैक के अलाइनमेंट में नहीं आ रहा है। मुझे जिस तरह से टॉकबैक स्क्रीन रीडर पढ़ता है उस हिसाब से नहीं है, इस करके थोड़ा सा सही नहीं पढ़ रहा है। लेकिन लिखा हुआ सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा एक्सेसिबल करने की ज़रूरत है। पिछले साल तो हमने जब 18 मॉडल किया था बिल्कुल नहीं पढ़ता था ये, अब तो पढ़ तो रहा है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई। तो खैर हम इसको जितना भी हमसे हो सकेगा मॉड्यूल करेंगे पूरा, इस पर तो मुझे नहीं लगता इस वीडियो में पूरा कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको चलिए थोड़ा बहुत दिखा दूंगा, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। बिल्कुल आसान है, बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहिए, हो जाएगा ये। फिर नेक्स्ट करेंगे गतिविधि, ये कुल गतिविधि अपने विचार गतिविधि करने हैं, अपने विचार साझा करने हैं, करके बता देता हूँ। खुल गया, यहाँ पर क्या है देख लेते हैं। पेज वन गतिविधि एक परिप्रेक्ष्य लड़ेना अपन रीति चाई साझा की एक आपके द्वारा साझा, मैं आपको फटाफट करके दिखा देता हूँ, आप भी ऐसा कर सकते हैं। पेज वन फिर नेक्स्ट करेंगे, नेविगेशन एरोस नेक्स्ट आइकॉन बटन, नेक्स्ट किया, फिर नेक्स्ट किया, ओके पूरा। अब व्यक्तिगत सामाजिक गुण क्या है, व्यक्तिगत सामाजिक गुण क्या है, प्ले सर्कल बटन स्पेस, यहाँ पर फिर एक कुछ लिखा हुआ है देखिए। पेज वन व्यक्तिगत सामाजिक गुण क्या है, देश व्यक्तिगत सामाजिक, हमारे लिए एक्सेसिबल है। हम थोड़ा सा अब कुछ एक्सेसिबिलिटी के इशू हैं जिनको तो शायद ये डेवलपर सही करेंगे, हम लोग सब लोग कोशिश करेंगे। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि डेवलपर्स को पता लगे कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ टॉकबैक क्यों नहीं पढ़ पा रहा है सही चीज़ को, इस चीज़ को। अगर आप इसको एनविजनाइज से स्कैन कर लें इस पेज को तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ेगा वो, लेकिन एक एक पेज को स्कैन करना पढ़ना वो थोड़ी सी समस्या रहती है। अगर यहीं से ही ठीक हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट करेंगे आप गतिविधि दो को, गतिविधि दो क्लिक करते हैं, फिर प्ले करते हैं, ओके प्ले सर्कल बटन, ये प्ले किया। पेज वन गतिविधि दो को लर्न, गतिविधि को गतिविधि पढ़ रहा है, गलत पढ़ रहा है ये, कोई नहीं नेक्स्ट कर लेते हैं।
page 1. गति तिथि दो कोलन नेविगेशन एरोस नेक्स्ट आइकॉन बटन page 1 नेविगेशन एरोस नेक्स्ट आइकॉन बटन स्कूल में अवसर जहां माध्यमिक पोर्ट्रेट स्पेस प्ले सर्कल बटन प्ले सर्कल बटन ये फटाफट कर रहा हूं आप भी ऐसा ही कर सकते हैं page 1 स्कूल में अवसर जहां माध्यमम स्तरे में काम थी यूं एम बीच या मध्य सही नहीं पड़ रहा है ये कमी है इसमें जो कमी है वो मैं आपको दिखा रहा हूं साथ साथ Player zoom and deep navigation arrows next icon button. फिर माध्यमिक स्तर के शिक्षार्थियों को space. फिर play करेंगे. Play circle button. फिर कुछ लिखा आया. Page 1. माध्यमिक स्तर के में काम थी योगी navigation arrows next icon button. व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के रूप में संवेदनशीलता और देखभाल. फिर क्लिक करेंगे. Play करेंगे कोर्स मॉड्यूल ऐसे ही पूरा होता है मित्रों. Play circle button. पेज खुला एक. Page 1. व्यक्तिगत बटन छात्रों में संवेदनशील फिर प्ले करेंगे प्ले सर्कल वीडियो है एक वीडियो देख सकते हैं आप वीडियो को आपको दिखाया नमस्कार मैडम आइए प्यारे शिक्षकों हाँ जी आइए अब हम हमारे युवा शिक्षार्थियों का संवेदनशील और देखभाल करने वाले इंसान बनने में मदद करने के लिए हमारे दिमाग में क्या है नामक एक गतिविधि का संचालन करते हैं ठीक है मैं इस वीडियो को देखिए ये मॉड्यूल भी पूरा हो चुका है इंटरी स्क्रीन रीडर स्पेस सैंडीप जीरो यू जस्ट कंप्लीटेड छात्रों में संवेदनशीलता और देखभाल का पोषण जस्ट कंप्लीटेड अब यहाँ पर छात्रों में संवेदनशीलता और देखभाल का पोषण प्रतिलिपि प्रतिलिपि क्लिक करते स्पेस प्ले करेंगे प्ले सर्कल बटन फिर प्ले किया पेज 1 छात्रों में संवेदनशीलता और देखभाल अवसर करने की वल्लर गव तव भी प्रवक्त कहीं कहीं ठीक पड़ता कहीं कहीं ये गलत पड़ता नेविगेशन एरोस नेक्स्ट आइकॉन बटन विश्वसनीयता को समझना और पोर्ट स्पेस फिर प्ले करेंगे प्ले सर्कल बटन प्ले सर्कल बटन पूरा हो जाएगा नेविगेशन एरोस नेक्स्ट आइकॉन बटन और गतिविधि 3 को लर्न फिर गतिविधि 3 खोलेंगे प्ले सर्कल बटन बिल्कुल जैसा मैं कर रहा हूं वैसा ही करें और आपके उंगली के नीचे रहेंगे ये सारे जेस्चर कुछ लोडिंग हो रहा है शायद इसमें इस बार दिस इमेज इज ही लेबल्ड ओपन द मोर ऑप्शंस मेन्यू एट द टॉप राइट गेट इमेज डिस्क्रिप्शन अब यहां पर शायद है अनलेबल्ड इमेज अनलेबल इमेज है ये नेक्स्ट लिंक नेक्स्ट लिंक नेक्स्ट ऐसे नहीं होगा इस पे लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा क्या हो गया भैया नेक्स्ट लिंक ओके देखिए अपने निर्देशों का छात्रों द्वारा पालन कराने की क्षमता हाँ अपने निर्देशों को पालन कराने की क्षमता यहाँ पर प्रश्न उत्तर दिए गए हैं कुछ हाँ हाँ नहीं नहीं क्या करना चाहिए हाँ कर दे हाँ चलिए नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट लिंक मैं आपको एक डेमो दे रहा हूँ अब इसमें सही गलत आप देखिएगा मैं तो सिर्फ आपको एक डेमो दे रहा हूँ कि हम ऐसे कर सकते हैं अपने और दूसरों के बारे में अपनी भावनाओं और विचारों के प्रति सच्चे और ईमानदार होने की क्षमता हाँ नेक्स्ट लिंक बस लॉन्ग प्रेस करते रहिए नेक्स्ट पे अपने आप छात्रों के व्यवहार के बारे में निर्णय और समझ नहीं हाँ हाँ ही करें नहीं क्यों नेक्स्ट लिंक समझ तो होनी चाहिए छात्रों के बारे में कोई कितनी जल्दी छात्रों का विश्वास जीत सकता है Next link. हाँ हाँ Next link. Space. हो गया ये हमने पूरा कर लिया अब यहाँ पर देखिए क्या चीज है ऊपर कुछ लिखा आया देखिए You just completed back button double tap to add You just completed heading 2 Next heading 2 Head space ये next आ गया Play circle button Play circle button volume level वीडियो चला Answer my question. You are not well. Come to my room. Welcome to commentary screen reader. Space. Sandeep Kumar Sharma. 055. Play circle button. शायद 055 का मतलब यही हुआ कि हम 50% पूरा कर चुके हैं इसको. Page 1. अतिरिक्त पठन छात्रों के बीच दिशा के तनरा मान के ती ए इनीतिया मका उच्छा तरीके नेविगेशन एरोस नेक्स्ट आइकॉन बटन नेक्स्ट किया
फिर नेक्स्ट करेंगे स्वयं और दूसरों के प्रति प्ले का मतलब यहाँ पर है कि वो पेज भी खुल जाएगा, प्ले का मतलब वीडियो भी चलेगा, वो अपने आप आपको पता लग जाएगा वीडियो है क्या है। स्वयं और दूसरों के प्रति ये जो लिखा हुआ जो सही नहीं आ रहा है ये कृपया एक सही करेंगे तब कुछ फायदा होगा। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट कर दिया। अब इसके बाद दूसरों में अच्छाई देखना, फिर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर प्ले लिखा आएगा, फिर क्लिक करेंगे, अब यहाँ वीडियो चलेगा, वीडियो को देखेंगे थोड़ा सा। मैं पूरा वीडियो इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ, समय नहीं। साथियों नमस्कार, आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम स्वयं के बारे में भी अच्छा सोचें और दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचें। बहुत अच्छी बात है, जिससे कि हमारे जो अंतरवैयक्तिक संबंध हैं वो अच्छे होंगे, हमारे रिश्ते मजबूत होंगे, हमारे लोगों के प्रति सद्भावना बढ़ेगी और हम जहाँ काम करते हैं, जहाँ रहते हैं, वहाँ एक सकारात्मक वातावरण होगा और जिससे हमारे रिश्ते बहुत अच्छे। 048 लिखा आ गया वापस से, क्यों आया पता नहीं। दूसरों में अच्छाई देखना प्रतिलिपि, क्लिक पोर्ट्रेट स्पेस प्ले सर्कल बटन लैपलेट स्पेस पेज 1। दूसरों में अच्छाई देखना छा प्रतिति साथियों नमक नेविगेशन एरोज नेक्स्ट आइकॉन बटन व्यक्तिगत सामाजिक कौशल पोर्ट्रेट स्पेस प्ले सर्कल बटन प्ले सर्कल बटन। आप एक ही तरीके से लैंडस्केप पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट कैसे भी रखें आराम से आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये बिल्कुल इसमें देखने का कोई काम है ही नहीं के रूप में प्रभावी सब नेविगेशन एरोस नेक्स्ट आइकॉन बटन हो गया। अतिरिक्त पठन सुनना और पोर्ट्रेट स्पेस, फिर देखिए अब कुछ नहीं करना, सीधा कर्सर प्ले सर्कल प्ले सर्कल पर आ गया। नोटिफिकेशन फ्रॉम YouTube लार्ज नेविगेशन एरोस नेक्स्ट आइकॉन बटन गैर मौखिक संवाद के माध्यम पोर्ट्रेट स्पेस प्ले सर्कल बटन placed full screen वीडियो है, फिर वीडियो चलेगा। काफी बड़ा मॉड्यूल है इस बार, पिछली बार तो छोटे छोटे मॉड्यूल थे, ये तो बहुत बड़ा है। धीरे धीरे आप करते रहिएगा, अब आप कर लेंगे ऐसे ही। दैनिक जीवन में बैक करेंगे और बाद में बाद में पे क्लिक करेंगे। ओके, और बैक करेंगे, डबल टैप टू एक्टिवेट। अब हम देख लेते हैं हमने इंग्लिश मीडियम कितना कंप्लीट किया है ना, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो थ्रू इसमें ज़्यादा तो मतलब कि अब पूरा डिटेल तो आपको बताने में समय बहुत लगेगा, लेकिन इसी तरह से ही करना है मॉड्यूल जैसे मैंने बताया। अब आगे एक प्रश्नोत्तरी आएगी, वो भी मैं किसी अगले वीडियो में बता दूँगा आपको कि प्रश्नोत्तरी को कैसे, जैसे अपने हाँ या नहीं किया वैसे ही उस पर सेलेक्ट करके, जैसे मैंने आपको बाल राम कथा में प्रश्नोत्तरी हल करके बताई थी, आप उसी तरह से ही इसमें भी हल करेंगे। सेम पैटर्न रहेगा, नेक्स्ट और प्रीवियस पे आपको लॉन्ग प्रेस करना है। जैसे नेक्स्ट करना है तो नेक्स्ट आएगा, राइट में तो उस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो प्रश्नोत्तरी बढ़ेगी। ठीक है, आशा आप समझ गए होंगे मेरी बात को। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि हमने कितना मॉड्यूल कर लिया है, ये भी इसमें बता सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी स्पेस एक सेकेंड एरो बैक बटन RJ द्वारा लाउड ट्रैश शेयर मेन्यू आपकी 71% पूर्ण आपकी प्रगति। ये देखिए आपकी प्रगति जो है हमने 71% 71% पूर्ण, हमने जो अपनी प्रगति है 71% पूर्ण कर ली है। अगर हम चाहें तो आगे कर सकते हैं इसके बाद। यहाँ पर ये देखिए गैर मौखिक संवाद के माध्यम से दूसरों स्वयं की भावनाओं को समझना प्रतिलिपि ये है हेडिंग टू प्ले आइकन। आप प्ले आइकन करोगे तो सीखना जारी रखें आगे से चलेगा। तो 71% हमने पूरा कर लिया, आप इसी तरह से आगे भी पूरा कर सकते हैं। उसके अंदर कुछ प्रश्नोत्तर आएंगे, प्रश्नोत्तर आप अपने हिसाब से लेफ्ट राइट स्वाइप करेंगे, बिल्कुल प्रश्न भी बोलेगा उत्तर भी बोलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, आराम से आप मॉड्यूल पूरा कर सकते हैं, ये समस्या आपको नहीं आएगी। तो इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है, दीक्षा आप इसी तरह से कर सकते हैं। और कोशिश करूंगा मैं यूनिलर्न का कोई भी कंटेंट आएगा मेरे पास उसको कैसे हम करेंगे सेट वो भी आपको दिखाएंगे। किसी की आईडी लेकर देखना पड़ेगा वो मुझे, तो मैं कोशिश करूंगा, मुझे अगर वो मिला तो मैं उसके विषय में भी आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप यूनिलर्न का जो है जो यूनिलर्न में हमको मॉड्यूल पूरे करने हैं वो किस तरह से करेंगे। तो मेरे पास जैसे ही आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो इस तरह से आप मॉड्यूल कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, कोई भी दिक्कत नहीं है। हम कोशिश करेंगे तो क्या नहीं कर सकते, लेकिन हाँ थोड़ी सी एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम है इसमें, तो इसे ठीक करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अच्छे से समझ सकें क्योंकि मॉड्यूल तो हम पूरा कर लेंगे
सॉरी, बीच में जो गतिविधियां वो थोड़ा साफ से नहीं पढ़ता, तो मतलब समझ नहीं पा रहे हैं कुछ कुछ चीज़ें जो है सही से नहीं पढ़ रहा ना, इस करके थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो आप बगैर किसी सहायक के ये काम कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से आप कर सकते हैं, जितना हो उतना तो कर ही सकते हैं। एक बार मॉड्यूल पूरे कर लीजिए, बाद में हो सकता है इस पर कुछ सुधार हो। वैसे इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि सुझाव देना उन लोगों को, दीक्षा के जो डेवलपर हैं या फिर हमारी जो राजस्थान की टीम है वे, या फिर पूरे ये, क्योंकि ये दीक्षा का कार्यक्रम तो शायद पूरे देश में ही चल रहा है, तो सभी लोग हम कोशिश करेंगे धीरे धीरे इनको ईमेल वीमेल करेंगे, तो हो सकता है ठीक हो जाए। हेल्प वाला ऑप्शन है उसमें भी मैं देखता हूँ एक ईमेल करके इनको, क्योंकि पिछली बार मैं इनके ग्रुप में जुड़ा हुआ था, तब तो इन्होंने, मैंने काफ़ी सारे मैसेज किए लेकिन इन्होंने कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी मुझे इतनी खास। तो इस बार देखेंगे क्या कुछ होता है। तो बने रहेगा आप हमारे साथ, हम इसी तरह के आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे। मैं चैलेंजिंग वीडियो हमेशा लेकर आता हूँ, जो लोग कहते हैं ना नहीं हो सकता, उसे हम करने की कोशिश करते हैं। और काफ़ी सारे ब्लाइंड भाई इसे कर भी रहे हैं मॉड्यूल को, ऐसा नहीं है कि मॉड्यूल कर नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल भी करना चाहें तो क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं अपन। अगले मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो ऐसा भी बनाऊँगा जिसमें आप अपने बच्चे जो आपको व्हाट्सएप पे आजकल होमवर्क की कॉपीज़ भेजते हैं, आप उसको सुन भी सकते हो हस्तलिखित कॉपीज़ को, और उसे फिर चेक भी कर सकते हो। तो उसका भी एक वीडियो बनाएंगे अगर आप लोग चाहेंगे तो। तो बताइएगा वीडियो कैसा है, लाइक डिसलाइक करें आपकी इच्छा है जो, लेकिन डिसलाइक करने से पहले ये देखें कि मेहनत कितनी की है मैंने, ठीक है ना। इतनी मेहनत कोई करता नहीं है, क्योंकि वो बाकी लोग तो क्या करते हैं, इस ऐप का वीडियो उठाकर बना दिया, उसका बना दिया, उसमें काहे की मेहनत लगी, उसमें तो टॉकबैक सीधा सीधा बोल रहा है, कोई चला लेगा उसको तो। लेकिन इस तरह की ऐप, चैलेंजिंग ऐप, जिसकी कि क्योंकि एम्प्लॉयज़ को सबको ज़रूरत है इस ऐप की, स्टूडेंट्स हो तो आपको ज़रूरत है। जैसे कल मैंने वो एक वीडियो बनाया था परसों, कौन सा क्या नाम उसका, मेरिट नेशन का, तो उसकी बहुत लोगों को ज़रूरत है, बहुत लोग उससे कुछ अपना कुछ सीख सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं सीखना है वो फिर कुछ नहीं सीखेंगे, उनको चाहे आप कुछ भी करके दे दो। तो बस वही बात है, चलिए लाइक डिसलाइक चलती रहेगी, मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है, अपना उद्देश्य आप लोगों की हेल्प करना, और वही हम करेंगे जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा। मुझे समय आजकल थोड़ा सा कम मिल रहा है, क्योंकि विद्यालय भी जाना पड़ता है और सभी काम करने हैं। और आपको 15 अगस्त की, हमारे भारत के स्वतंत्रता दिवस की एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएँ। इसी तरह हमारा भारत आगे प्रगति करता रहे, तरक्की करता रहे, हमारे देश का नाम विश्व में सबसे ऊंचा हो। जय हिंद, जय भारत, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।